हेलो दोस्तों, आज की हमारी ये जो कहानी है ये बाकी कहानियों से बहुत अलग है। आज मैं जो ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी प्रतिलिपि एप्लीकेशन की है। प्रतिलिपि अब कहानियां सिर्फ किताब में नहीं आपके जेब में रहेगी। प्रतिलिपि पर आप 50 लाख से ज्यादा कहानियां पढ़ सकते हो, जैसे कि हॉरर, कॉमेडी, रोमांटिक, मिस्ट्री और भी बहुत सारी कहानियां। और यही नहीं, आप इसको अपने मनपसंद की कोई भी भाषा में पढ़ सकते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, इंग्लिश, यहाँ तक के प्रतिलिपि पर 12 से ज्यादा भाषाओं में कहानियां हैं। तो दोस्तों आइए आज आपको एक ऐसी हॉरर कहानी सुनाता हूँ जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी का नाम है तहखाना। तीन दोस्त जय, प्रकाश और रॉकी एक मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। मैदान शहर से कुछ दूरी पर था। मैदान के चारों ओर कई घने पेड़ थे। जय बॉलिंग कर रहा था, रॉकी बैटिंग और प्रकाश कीपिंग। रॉकी, बॉल फेंक जय, आज तुझे अपने अंदर का विराट दिखाता हूं। जय, चल चल, तेरा तो बस बोल बच्चन है, मेरे अंदर का बुमराह तुझे गुमराह कर देगा। जय ने बॉल फेंकी, रॉकी ने स्ट्रेट ड्राइव का शक्तिशाली प्रहार किया और बॉल मैदान से बाहर जाकर एक मकान की खिड़की के शीशे को तोड़ते हुए अंदर चली गई। तीनों दोस्त बहुत निराश हुए क्योंकि बॉल जिस मकान में गई थी वो पिछले कई सालों से बंद पड़ा था और उसके आसपास कोई और घर नहीं था। तीनों दोस्तों में किसी ने भी उस मकान को कभी खुलते हुए नहीं देखा था। जय, तो अब हो गया खेल, इस रॉकी की तो क्या जरूरत थी इतनी जोर से शॉट खेलने की। रॉकी, अबे जानबूझ के थोड़ी मारा है यार, शॉर्ट पिच बॉल मिली तो मार दिया, मुझे क्या पता था कि बॉल उस मकान में चली जाएगी। शाम होने वाली है, दूसरी बॉल भी नहीं है, दूसरी बॉल लाने जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा, अभी बॉल मिल जाए तो एक घंटे तक खेल सकते हैं। जय, अब क्या करें, संडे कोई रोज रोज तो आता नहीं, आज ही थोड़ा खेल लेते हैं। रॉकी, क्यों ना मकान का ताला तोड़कर बॉल ले आए। जय और प्रकाश रॉकी के इस बात पर हैरान होते हुए उसे देखने लगे। प्रकाश, ताला तोड़ेगा तू? किसी ने तुझे ताला तोड़ते हुए देख लिया तो क्या होगा? रॉकी, तो कौन सा उस मकान में अलीबाबा का खजाना पड़ा है, और वैसे भी यहां पर कोई आता भी नहीं तो किसी का देखने का तो कोई चांस ही नहीं है, वरना चलो घर और मिलना अगले संडे को। जय और प्रकाश एक दूसरे को देखने लगे। सही तो बोल रहा था कि अगर आज नहीं खेला तो अगले संडे को ही टाइम मिल पाएगा, मकान का ताला तोड़कर 5 में बॉल मिल जाएगी तो कुछ देर तो खेल ही लेंगे। तीनों दोस्तों ने मकान का ताला तोड़कर बॉल लाने का निर्णय किया। तीनों मकान के पास गए। मकान पर एक भारी सा ताला लगा था जिस पर वक्त की मार से जंग लग गया था। रॉकी ने पास में पड़ा एक पत्थर उठाया और ताले पर चोटे मारने लगा। करीब 6-7 चोटे खाकर ताला टूटकर लटक गया और तीनों दोस्त खुशी से उछल पड़े। ताले को एक ओर फेंक कर तीनों घर में घुस गए। घर का मंजर बड़ा खौफनाक था। दीवारों के प्लास्टर झड़कर गिर चुके थे जिस पर चिपकलियां और मकड़ियां टहल रहे थे। चारों तरफ जाले लगे हुए थे। कुछ फर्नीचर थे लेकिन उस पर दीमकों ने किसी कुशल कारीगर की तरह मिट्टी की परत चढ़ा दी थी। एक टूटा सा फानुस घर के छत पर लटक रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी गिर पड़ेगा। झिंगुरी की आवाजों से पूरा घर गूंज रहा था। कुल मिलाकर वह घर किसी भूत बंगले से कम नहीं लग रहा था। तीनों दोस्त यहां आकर बहुत डर रहे थे। डरते डरते तीनों ने अलग दिशाओं में बॉल ढूंढना शुरू किया। बॉल जय को मिल गई। उसने चिल्लाकर कहा, प्रकाश, रॉकी, आ जाओ, बॉल मिल गई। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, जय, प्रकाश, यहां आओ और देखो मुझे क्या मिला। जय और प्रकाश रॉकी की आवाज की ओर जाने लगे। एक कमरे में रॉकी कोने में खड़ा था और नीचे इशारा कर रहा था। जय और प्रकाश ने देखा तो नीचे एक दरवाजा था जो किसी तहखाने का दरवाजा लग रहा था। तीनों दोस्त उसे घेर कर खड़े हो गए। रॉकी ने कहा, लगता है सच में इस घर में कुछ माल छिपा है, क्या बोलते हो, खोल के देखें क्या। तीनों दोस्त अभी इसी उहापोह में थे
तभी भड़ 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 जोरदार आवाज से तहखाने का दरवाजा भड़काने लगा। तीनों उछलकर दो तीन कदम पीछे कूद गए और तहखाने के दरवाजे को ध्यान से देखने लगे। तहखाने का दरवाजा एक दो फीट ऊपर उठता और नीचे गिर जाता। ऐसा लग रहा था कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति दरवाजे के अंदर से धक्का दे रहा था। करीब 30 सेकंड के बाद बड़बड़ाहट बंद हो गई। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि तीनों ने डायनासोर देख लिया था। जय ने कहा, चलो यहां से भाग चले, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रॉकी ने कहा, लगता है कोई अंदर फंसा है और उसे हमारी मदद की जरूरत है। हमें दरवाजा खोल के देखना चाहिए कि अंदर कौन फंसा है। जय और प्रकाश की आंखों में रॉकी के प्रति असहमति के भाव साफ दिख रहे थे। अभी वह कुछ बोल पाते तभी रॉकी ने तहखाने का दरवाजा खोल दिया। तहखाने में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। रॉकी धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा और जय व प्रकाश उत्सुकतावश रॉकी के पीछे पीछे आने लगे। करीब 10-15 सीढ़ियां उतरने के बाद अंदर एक कमरा था। पूरे कमरे में सीलन और बदबू भरी पड़ी थी। शायद इस कमरे में कोई चूहा मरा था। तीव्र दुर्गंध के कारण तीनों ने अपने नाक पर हाथ रख लिया। मगर जैसे ही तीनों की नजर कमरे के कोने पर पड़ी, तीनों की शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। कमरे के कोने में 7-8 नर कंकालों को गले में फंदा डालकर टांगा गया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी को फांसी पर लटकाया गया हो और सालों से उस लाश के शरीर का मांस सड़कर सिर्फ कंकाल ही बच गया था। तीनों तुरंत दरवाजे की तरफ भाग पड़े। ये इतने डर गए थे कि उनमें से कोई पीछे भी नहीं देख रहा था। तभी सीढ़ियों पर जय किसी चीज की ठोकर लगने के कारण नीचे गिर गया। प्रकाश व रॉकी बिना जय की सुध लिए बेतहाशा दौड़ते हुए ऊपर चले गए। जय ने जब ये देखने की कोशिश की कि किस चीज की ठोकर लगने के कारण वो गिरा, तो उसने देखा कि वहां कोई टेप रिकॉर्डर था। जय ने वो टेप रिकॉर्डर उठाकर अपनी जेब में रख लिया और भागने लगा। जब जय तहखाने से बाहर आया तो देखा कि प्रकाश और रॉकी अपनी कमर पर हाथ रखकर बुरी तरह हांफ रहे थे। प्रकाश ने कहा, यार सच में ये घर किसी भूत बंगले से कम नहीं है। इतना सब होने के बावजूद भी तीनों अभी भी उस घर के अंदर थे। जय ने दोनों को टेप रिकॉर्डर दिखाते हुए कहा, देखो मुझे क्या मिला। रॉकी टेप रिकॉर्डर हाथ में लेकर देखने लगा। हाँ यार, ऐसा लगता है जैसे कल ही खरीदा हो इसे, एल्जो कंपनी का है। प्रकाश ने टेप रिकॉर्डर को ध्यान से देखते हुए कहा, इसमें तो एक कैसेट भी लगी हुई है, प्ले कर जरा। ये सुनकर रॉकी ने पास पड़ी एक मिट्टी लगी मेज पर टेप रिकॉर्डर को रख दिया और प्ले बटन दबा दिया। जय उन दोनों से थोड़ा दूर एक खिड़की के पास खड़ा था। जैसे ही रॉकी ने प्ले बटन दबाया, जय के सामने की खिड़की खुल गई और बाहर से नीला सा धुआं अंदर आने लगा। जय प्रकाश और रॉकी को यह घटना दिखाने के लिए उनकी तरफ मुड़ा तो देखा कि दोनों टेप रिकॉर्डर की ओर ध्यान लगाकर देख रहे हैं। जय ने उनको बोलना उचित नहीं समझा और खुली खिड़की की ओर देखने लगा। कमरे में वो गाढ़ा नीला धुआं प्रवेश कर चुका था। उसमें कोई मानव आकृति भी थी। जय ने ध्यान से देखा तो एक 50-55 साल का आदमी सर पर पगड़ी पहने धोती कुर्ता में हवा में लटका हुआ था। उस रहस्यमय आकृति ने बोलना शुरू किया, आखिर क्या हुआ जय प्रकाश और रॉकी के साथ? क्या है उस मकान का रहस्य? जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। ऐसे ही और भी रोमांचक भूतों की कहानियां पढ़ने के लिए प्रतिलिपि एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलिए। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। प्रतिलिपि एप्लीकेशन के साथ साथ प्रतिलिपि वेबसाइट को भी विजिट कीजिए और अपनी मनपसंद कहानियां पढ़िए। प्रतिलिपि, अब कहानियां सिर्फ किताब में नहीं आपके जेब में रहेगी।